भारत के उभरते एविएशन सेक्टर में गो एयर नाम की एक और एयरलाइंस कंपनी डूब गई। ब्रिटानिया जैसे शानदार ब्रांड के मालिक वाडिया ग्रुप की गो एयर के साथ ऐसा क्या हुआ कि कंपनी के हवाई जहाज आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरे, इस वीडियो में हम इसकी पड़ताल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के संस्थापक थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना की एक बेटी थी डीना, जिन्होंने नवील वाडिया के साथ शादी की थी। डीना वाडिया और नवील वाडिया के बेटे नस्ली वाडिया फिलहाल गो एयर को चलाने वाले वाडिया ग्रुप के चेयरमैन हैं। नस्ली के बेटे जे और नेस अब कारोबार देखते हैं, लेकिन जिस वाडिया ग्रुप के पास खाने पीने का सामान बनाने के लिए मशहूर ब्रिटानिया और कपड़े चादर बनाने वाले बॉम्बे डाइंग जैसी ब्रांड है, उसकी गो एयर आखिर क्यों डूब गई? गो एयर को नस्ली वाडिया के बेटे जे वाडिया ने 2005 में शुरू किया था। ये वो दौर था जब देश में किंग फिशर एयरलाइन चमक रही थी। फिलहाल देश से फरार उद्योगपति विजय माल्या ने इसे ग्लैमर वाला बिजनेस बना दिया था कि बहुत शानदार बिजनेस है। हालांकि बाद में किंग फिशर भी बंद हो गई। जे वाडिया ने जब एयरलाइन शुरू की थी तो इसे चलाने का कोई मजबूत प्लान नहीं बनाया था, क्योंकि वाडिया समूह के लिए महज ये एक अन्य बिजनेस था कि एक्स्ट्रा बिजनेस है, जबकि इसके उलट अगले ही साल शुरू हुई इंडिगो का प्रायोरिटी बिजनेस ही एयरलाइंस था। और इसी का परिणाम है कि आज इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है और 57% मार्केट पर उसका कब्जा है। गो फर्स्ट के चेयरमैन एमिरेट अक्सर कहा करते थे कि गो फर्स्ट का साइज छोटा होना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन मौजूदा समय में उसकी यही ताकत कमजोरी बन गई है। उसके पास छोटी क्षमता वाले विमान हैं। गो फर्स्ट के पास इस समय 61 विमानों का बेड़ा है, जिसमें से करीब 30 विमान जो हैं अभी उड़ान भरने के काबिल नहीं है। उनमें तकनीकी गड़बड़ियां हैं, इंजन में खराबी और वो उड़ान नहीं भर सकते। वहीं जिस व्यक्ति जे वाडिया ने इसे शुरू किया था, उन्हें वाडिया ग्रुप ने 2021 में समूह की सभी कंपनियों के बोर्ड से हटा दिया और एयरलाइंस की जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया। जे वाडिया इन दिनों लंदन में रहते हैं, जबकि इसके उलट इंडिगो के पास 300 से अधिक विमान हैं। प्रेट एंड विटनी के इंजन डिफॉल्ट की वजह से उसके भी 20 से ज्यादा विमान उड़ने के काबिल नहीं हैं, लेकिन कंपनी को अपने रोज के खर्चे पूरा करने के लिए वैसे परेशान नहीं होना पड़ रहा जैसा कि गो फर्स्ट को परेशान होना पड़ रहा है कि रोज के उसके खर्चे भी नहीं निकल रहे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गो एयर जैसी बजट एयरलाइंस ने खुद को किसी तरह से बस ऑपरेशंस में बनाए रखा, जबकि एक एयरलाइंस को आगे बढ़ने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी, पायलट्स, इंजीनियर्स और अन्य स्टाफ की जरूरत होती है। उनके ग्रोथ की भी पॉलिसी बनानी पड़ती है, उस पर काम करना पड़ता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सही वक्त पर सही फैसले करने होते हैं, लेकिन गो एयर ऐसा नहीं कर सकी। वो सही वक्त पर सही फैसले नहीं ले पाई। ब्रिटिश उद्योगपति रिचर्ड ब्रैंसन का बहुत चर्चित बयान है कि अगर आप करोड़पति से कंगाल बनना चाहते हैं तो एयरलाइंस कंपनी खोल लीजिए। गो एयर पर उनका यह बयान एकदम सटीक बैठता है। गो फर्स्ट ने फ्लाइट उड़ाना बंद कर दिया है। एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अर्जी लगा दी है कि दिवाला निकल गया है, अब ट्रिब्यूनल तय करेगा कि कंपनी का क्या करना है। गो फर्स्ट को बैंकों और वेंडरों का करीब 12,000 करोड़ रुपए देना है। वाडिया ग्रुप की स्थापना 1736 में हुई थी। वाडिया ने पानी के जहाज बनाने से शुरुआत की थी, यह उनका बिजनेस था, और अब वो हवाई जहाज चला रही है, लेकिन जहाज अब उड़ना बंद कर चुके हैं, वो उड़ान नहीं भर पा रहे। करीब 18 साल में ही ये कंपनी गो फर्स्ट जो है ठप हो गई। कोरोना काल के बाद भारत में गो फर्स्ट पहली एयरलाइंस कंपनी है जो बंद हो रही है। हालांकि इससे पहले किंगफिशर और जेट एयर जैसी कंपनियां भी जमींदोज हो चुकी हैं, वो बंद हो चुकी हैं, लेकिन कोरोना काल के बाद ये पहली कंपनी है जिसने शटडाउन कर दिया, अपने आप को बंद कर दिया। गो फर्स्ट ऐसे वक्त में परेशानी में है जब भारत का बाजार जो है, एविएशन मार्केट जो है, वो तेजी में है। भारत में पिछले साल 13 करोड़ हवाई यात्री थे, अगले साल ये 16 करोड़ होने का अनुमान है। 10 साल पहले ये आंकड़ा सिर्फ 6 करोड़ था। यानी यहाँ भारत में जो हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, और ये इसमें एविएशन सेक्टर में उछाल आ रहा है, लेकिन बावजूद इसको गो फर्स्ट को नुकसान उठाना पड़ा। भारत अब अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन गो एयर इसमें अपने विमान को चलाने में नाकाम रही, वो काम नहीं कर पा रही। गो एयर इंजन बनाने वाली कंपनी PNW को इसके लिए जिम्मेदार बता रही है। गो फर्स्ट ने विमान एयरबस से खरीदे थे, लेकिन जो इंजन है वो PNW से खरीदे थे, क्योंकि उसमें कॉस्ट कटिंग हो जाती है, कम पैसा लगता है, और ज़्यादातर एयरलाइंस विमान तो किसी और कंपनी से खरीदती है और इंजन अलग से खरीदते हैं ताकि उनको कुछ बचत हो सके। इंजन में खराबी के कारण गो के 57 में से आधे से ज़्यादा विमान उड़ नहीं पा रहे।
हालांकि जानकार बताते हैं कि इंजन परेशानी का अकेला कारण नहीं है, कंपनी के अंदरूनी कलह और सही समय पर सही फैसले ना ले पाने के कारण ही कंपनी का ये हाल हो गया है। कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है, लेकिन क्या ये भारत के उभरते एविएशन सेक्टर के लिए खतरे की घंटी है? इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।